एवरीवन, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है मंडे, जो हम लोग अभी कर रहे हैं हेयर केयर सीरीज। ऑलरेडी मैं हेयर सीरम के बारे में बता चुकी हूँ, जिसके वजह से हमारा हेयर हेल्दी ग्रोथ होता है। आप शायद उसको देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जरूर देखो, क्योंकि आपका हेयर आपको अच्छा होना है तो ये सीरीज को फॉलो करो, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक जबरदस्त हेयर मास्क। इसको आपको यूज करना है हर वीक, ओके? एंड इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ तीन। उसको यूज करके आप एक अच्छा हेयर मास्क बना सकते हो। इट इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ हेयर्स एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। ट्रस्ट मी, आपका हेयर का जो भी प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन इसी से मिलेगा। सो क्या है वैसे चीज मैं इसमें ऐड की हूं? आप अगर मेरा सिरम वाला वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देखो, उसमें मैं दो इंग्रेडिएंट यूज की थी, वो है अनियन सीड्स एंड मेथी दाना। उसको बॉईल करके मैं उसका वाटर को सेपरेट की थी एंड उसको मैं बोली थी कि आपको इसका यूज मैं आगे बताऊंगी, जो साइड में निकाल के रखी हूं। तो वो अब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। अभी आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हो कैसा बनाई थी मैं, और आप ये पूरा बॉईल होने के बाद क्या कंसिस्टेंसी में आया है। और मैं तभी आपको बोली थी कि मेथी सीड्स में स्प्राउट आना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, मैं इधर वीडियो में किधर भी वो कैसा होना है उसको दिखा देती हूँ, ओके? ऐसा आपको करना है, अच्छे से उसको स्प्राउट आने के बाद ओवरनाइट सोक करके अनियन सीड को बॉईल करके उसका पानी को हम सिरम में यूज किए हैं। एंड अभी हम मास्क बनाने के लिए अनियन सीड्स, मेथी सीड्स, विथ दैट एडिशनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेक्स सीड्स। एंड ये फ्लेक्स सीड्स को भी मैं ऑलरेडी एक बार बॉईल करके इसका थोड़ा सा जेल निकाल चुकी हूँ, उसका भी अलग सा वीडियो बन चुका है। ये तीनों का मिक्सचर को यूज करके हम बनाने वाले हैं हेयर पैक, विच इज वेरी इफेक्टिव। इसका रिजल्ट, इसका बेनिफिट्स इतना ज्यादा है, आप खुद ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस अनियन सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है एंड मेथी दाना है, ओके? मैं एक एक का जो भी है बेनिफिट्स बता देती हूँ, बाद में इसको कैसा यूज करना है वो बता देती हूँ। फ्लेक्स सीड्स जो होता है वो जेल बेस्ड सीड होता है, इसमें होता है विटामिन बी एंड इसमें लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को फास्टर, स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और क्या चाहिए, फास्टर भी हो जाएगा, हेल्दियर भी हो जाएगा एंड थिक, राइट? सबको यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनियन सीड्स, इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट है अनियन सीड्स, इसको ये भी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ आपका हेयर का कलर को अच्छे से बरकरार रखता है। मतलब अगर आप देखेंगे इसमें जो ब्लैक सीड्स के जैसे दिख रहा है, ये आपका बाल को कलरिंग में हेल्प करता है। जो आपका नेचुरली हेयर ब्लैक रहता है उसको प्रमोट करता है, आपको जल्दी से ग्रे हेयर नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी ग्रे हेयर है, इसका रेगुलर यूज से आपका ग्रे हेयर का भी कलर नॉर्मल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पर एक दो यूज से पता नहीं चलेगा, वो आपको कंटिन्यू यूज करना है, मिनिमम 3 मंथ्स एवरी वीक, मतलब मंथली 4 टाइम्स यूज करना है। उसके बाद इसमें जो है अनियन सीड्स में, उसमें होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टी, इसके वजह से आपका जो भी स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है उसको ये हटा देता है। उसके वजह से ये मास्क यूज करने से आपका जो स्कैल्प है बहुत हेल्दी होता है, मतलब हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर, क्योंकि अगर आपका रूट अच्छे से ग्रोथ होगा तभी आपका बाल भी बहुत अच्छा दिखेगा एंड आपका बालों में शाइनिंग भी लाएगा। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है, ये तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट, दिस इज अ लोड्स ऑफ बेनिफिट्स है इसमें, वो आप चाहिए तो जरूर देखो। मैं मेथी सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में अलग सा वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको जरूर देखो, क्योंकि उसका इतना ज्यादा बेनिफिट्स है, आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह में मिल जाएगा। वेल, मेथी सीड्स जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेनिग्रीक सीड्स, ओके? इसमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसमें आयरन एंड प्रोटीन है। हमारा हेयर का मेन जो इंग्रेडिएंट है आयरन एंड प्रोटीन, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो अगर आप आयरन और प्रोटीन को इंटेक करेंगे वो भी अच्छा है। सो आप चाहिए तो इसको ना भिगो के रख के चार मतलब हाफ स्पून तक आप एक खा भी सकते हो। ये शुगर लेवल को भी आपको कंट्रोल में रखता है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। उसके साथ ही साथ मैं इधर उसको अच्छे से भिगो के, मतलब ओवरनाइट सोक करके उसको भी इसमें डाल के पेस्ट बना चुकी हूँ, ओके? ये तीनों का पेस्ट बनने के बाद, फाइन पेस्ट बना है, देखो एकदम फाइन पेस्ट है ये। अभी मैं बना के स्टोर करती हूँ, इसको आप
फॉर 1 month स्टोर कर सकते हो, और आपको जब बाल को लगाना है तभी जितना चाहिए आप अलग सा बाउल में ले लो, उसमें अगर आपको चाहिए आप कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हो, या अगर आपको चाहिए आप कर्ड ऐड कर सकते हो, या विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है दैट्स ऑल्सो फाइन, आप सिर्फ इसको ही थोड़ा पानी डाल के उसका कंसिस्टेंसी को सेट करके अपना बालों में लगा दो। इफ यू वॉन्ट यू कैन लिव इट ओवर नाइट, एंड अगर आप बाल को ऑयलिंग कर चुके हो तभी भी यूज कर सकते हो, अगर आप ऑयलिंग नहीं किए हो तभी भी यूज कर सकते हो। आप इसको कैसा भी यूज करो इसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेगा, बट आपको करना है कि यूज, इसका यूज जरूर करना है। ओके, ये सब चीजों को यूज करके अगर आप बालों को हर वीक एक एटलीस्ट वीक में एक डे आपके बालों के लिए निकाल ही दो, क्योंकि आपका बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। ओके, वैसा अगर यूज करेंगे आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, हेयर हेल्दियर हो जाएगा, विथ दैट आपका जो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है वो भी हट जाएगा, बाल्डनेस का जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को होता है बाल्डनेस, उसका भी रेगुलर यूज से, देखो एक दिन लगाए नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा, बट फर्स्ट यूज से आपको ये जरूर दिखेगा आपका हेयर स्मूथ होगा, इजी टू मैनेजेबल होगा, मतलब मैनेजेबल हेयर होगा, उसके साथ ही साथ एक शाइन आया होगा, एंड हल्का सा जब आप टच करेंगे बाउंसी भी रहेगा। ये तो आपको फर्स्ट यूज से ही पता चल जाएगा। सो जरूर इसको ट्राई करो ओवरनाइट, इजी है, स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, जरूर ट्राई करो। इसके साथ मैं जो सिरम बोली हूं उसको भी रेगुलर यूज करो, आपका हेयर ग्रोथ फिक्स है एंड इट इज 100% नेचुरल, नो साइड इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, ये वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि नेक्स्ट मंडे भी मैं स्पेशली फॉर द कर्ली हेयर, अभी बता रही हूँ कर्ली हेयर का हेयर मैनेज करना इतना इजी नहीं लगता है बहुत लोगों को, बट कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। सो वेट फॉर दैट वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।